हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग यहाँ जो बात करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। और यह टॉपिक क्या है? तो यह टॉपिक है आपका जो फियर है ना, आपके ट्रेड लेने में जो फियर आ रहा है और आप डर के निकल जाते हो और मार्केट वहीं से रैली कर देता है, इस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। और इसको कैसे रिड्यूस करना है, इन सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे आज। तो देखो, फियर होता क्यों है? फियर होने के पीछे का लॉजिक जो है वो खुद आप हो, क्योंकि ये आप ही के अंदर जनरेट हो रहा है। तो फियर जो है वो आपको, फियर के कॉज जो कौन है, सबसे पहला चीज है कॉज होता है, फिर एक्शन रिएक्शन होता है। तो कॉज जो है सो आप सेल्फ हो। मान लो कि फियर होता है तो कॉज आप सेल्फ हो। अच्छा, ये क्यों हुआ यहाँ पे? ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने बार बार जो आपने मार खाया है, बार बार मार खाया है। तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रेडिंग जनरल के बारे में, तो चलिए हम लोग सॉरी फियर के बारे में। कि मान ले आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें डर रहे हो, आप निकल जाते हो, तुरंत बुक कर लेते हो, तो इससे कैसे बचा जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फियर क्यों आता है? फियर जो है सो उसके कारण आप खुद हो और आपको अपने सेटअप पे भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको जो सेटअप है उस पर भरोसा नहीं है, मतलब कि आपको लेस कॉन्फिडेंस है, आपको लेस कॉन्फिडेंस है। ओके, तो लेस कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप जरूर, जाहिर सी बात है कि 10 रुपया 5 रुपया बुक करके भाग जाओगे, मार्केट वहां से 200 पॉइंट की रैली दे देगा। तो आपको पता नहीं है कि मार्केट में प्राइस कैसे चलता है, मतलब कि नॉलेज की भी आपके पास में कमी है। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट जो हो गया वो नॉलेज की भी कमी हो गया, कि आपको यहाँ पे कहें कि लेस नॉलेज है, आपको नॉलेज की भी कमी है। कि यहां से अब मान लो कि यहीं पे देखो आप, ये जो है मान लो कि यहाँ से जो ये सपोर्ट मार्केट बार बार बना रहा है, मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट ले रहा है, और आपने यहाँ बाई किया। मान लो आपने यहाँ बाई किया, चाहे आपने इस ग्रीन कैंडल पे, आपने इस रेड कैंडल पे बाई किया है। अब यहाँ पे प्राइस तो आया नहीं है, मतलब यहाँ तक आया नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जब आपको प्राइस घटने लगता है तो आप निकल जाते हो। फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर थोड़ा सा पहले ही से यहाँ से मुड़ गया, फिर गया, फिर नीचे आया और निकल गया। तो अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास में आ गया, प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास में, तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा चीज ये है कि आप ध्यान से अगर देखोगे तो अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इस कैंडल में शॉर्ट करेगा, इस कैंडल में शॉर्ट करेगा। तो जब ये एक बार लो मारा और जब ये ऊपर जाएगा प्राइस साइकिल रिट्रेसमेंट के लिए, तुम्हें निकाल के फिर नीचे आ जाएगा। तो ये प्राइस का साइकिल या बिहेवियर तुम्हें नहीं पता है, इसलिए जैसे तुम्हें दिक्कत है। तो प्राइस के साइकिल या बिहेवियर को समझो कि ये क्या कहता है, ये कैसे चलता है। क्योंकि एक बार जब ये लो लगा देगा, जब रिट्रेसमेंट करने जाएगा, तो वहां पे तुम्हें निकलना नहीं है, तुम्हें वहां पे क्वांटिटी ऐड करना है और नेक्स्ट लो के लिए इंतजार करना है। और मान लो कि अब यहां से जब आपने यहां पे लोगे, तो यहां से जो है ये आपको लगभग लगभग 30-40 पॉइंट का असल बनेगा। लेकिन अगर आप यहां ले लोगे तो 30-40 पॉइंट का ये ऊपर से, अगर आपको इतना बड़ा एसएल लोगे, क्या आप नहीं लोगे ना? यहां से आपको तो एसएल 10 पॉइंट के लेना है, 76 पॉइंट हो गया भाई, जान निकाल देगा आपका मार्केट। तो हमें क्या है कि मान लो कि ये सीधे दो ग्रीन कैंडल बना, अब एक रेड कैंडल बना, और उसके नीचे अगर एक और कैंडल बनता है तो हमारा एसएल कितना का बनेगा? यहां से 10 पॉइंट का बना ना, उसके बाद वो धीरे धीरे खिसकते खिसकते आ जाएगा नीचे। तो आपको नॉलेज नहीं है और आप ट्रेड करने जाओगे, क्योंकि ये 5 मिनट एक कैंडल बन गया, उसके बाद अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका असल यही रहेगा ना। और वहां तक गया है क्या मार्केट? नहीं गया है, वहां से खसक के नीचे आ गया है। तो यही चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हमारा सेटअप क्या कहता है। तो यहाँ पे फियर के लिए जो है सो, अच्छा एक चीज और है जो कि आप नेचुरल चीज है, कि आप किस लेवल पे जी रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका लेवल क्या है। तो देखो, फियर का जो लेवल होता है वो सबसे बॉटम लेवल होता है। जो फियर होता है वो ऐसे होता है, ये बॉटम पे है। बॉटम के बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो है यह जो है आपका IRSHI ईर्ष्या हो गया, मतलब कि आप यहाँ जलन में जीते हो, मतलब ये जलन का एक लेवल हो गया। और यहाँ पे होता है लोभ या ग्रिड, यहाँ पे ग्रिड हो गया। तो आप किस लेवल पे जी रहे हो? जो नया ट्रेडर होता है वो इसी में झूलते रहता है। अच्छा, इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल होता है, जो थोड़ा आप पैसा कमाने लगा जो ट्रेडर, वो यहाँ आ जाता है, वो यहाँ जीने लगता है। कहाँ पे? तो वो जिएगा यहाँ पे, उसको क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गया थोड़ा सा, तो उसका लेवल यहाँ रहता है।
सेक्स की, और दूसरा हो गया आपको घमंड की, वो थोड़ा घमंडी रहेगा। और एक ट्रेडर वो भी होता है जो लास्ट फेज में चला जाता है, और जो लास्ट फेज में जाता है ना, बोलते ना 99 से जो सांप काटता है तो फिर से आ जाता है जीरो पे, तो वो जो है सो सीधे यहां से ये सीधे यहां पे आ जाता है इस जगह पे। तो इसको जो लास्ट है वो क्रोध है, क्रोध ये नेचर साइकिल है। तो नेचर साइकिल में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो फियर है वो क्यों है। तो फियर इसलिए है क्योंकि आपकी या तो कॉन्फिडेंस नहीं है या लेस नॉलेज है। तो अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस और लेस नॉलेज दोनों को आप इंक्रीज करो, और फिर जो है सो आप एक रूल बनाओ, एक डिसिप्लिन बनाओ कि हमें एक डिसिप्लिन पे काम करना है। एक मिनट, आप एक डिसिप्लिन पे काम करना है कि हमें इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। हमें मान लो कि आप 10 पॉइंट के एसएल ले रहे हो और 20 पॉइंट के टारगेट है, 10 पॉइंट के एसएल है 20 पॉइंट के टारगेट है, तो आप जितना बार भी एसएल लो, जितना बार भी आप ट्रेड करो, 10 पॉइंट के एसएल 20 पॉइंट के टारगेट, 10 पॉइंट के एसएल 20 पॉइंट के टारगेट, तो मान लो कि दिन में 10 एसएल भी होगा तो ₹50 चला जाएगा, जाने दो। लेकिन जिस दिन टारगेट आएगा ₹20 भी तो आएगा, तो आपका अकाउंट ग्रो होगा कि नहीं होगा। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो इस जोन में जी रहा है, इस जोन में जी रहा है, और जो नया ट्रेडर है वो इस जोन में जीता है, बस इसी जोन में जीते रहता है, इसीलिए उसका बार बार नुकसान हो रहा है। तो एक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में क्या क्या, डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए सबसे पहला जो होना है वो ट्रेडिंग जनरल होना चाहिए आपका, ट्रेडिंग जनरल, ट्रेडिंग मैनुअल होना चाहिए। डिसिप्लिन में क्या, आपका एक ट्रेडिंग मैनुअल हो गया, और ट्रेडिंग मैनुअल में आप जो है सो एक ट्रेडिंग मैनुअल और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन हो गया, कैसे मेकअप करके अगर चलोगे, अगर हम इस पॉइंट पर बात करें, तो उसके लिए आपको जो है सो सबसे पहले शांत होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पीसफुल लाइफ जीना शुरू करना पड़ेगा, पीसफुल लाइफ जीना शुरू करना पड़ेगा। आप जो है सो शांत हो, शांत कैसे होगे, उसके लिए आपको यहाँ पे मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, और जो ट्रेडिंग मैनुअल है आप दिन भर में ट्रेड कर रहे हो उसे देखो कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ट्रेडिंग मैनुअल आपके ओवर ट्रेडिंग को रोक देता है। अब ट्रेडिंग मैनुअल क्या है इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप अभी लॉन्च होगा वो वीडियो, उसको देखना कैसे ट्रेडिंग मैनुअल बनाते हैं, क्या सेटअप होता है, और फिर आप उसको फॉलो करना। और फिर जो है सो अपने आप को ग्रीड और फियर छोड़ो। मतलब मान लो कि आपको फियर क्यों है, क्योंकि हमारा पैसा लॉस हो जाएगा। फियर इसलिए है क्योंकि आपके प्रॉफिट का पैसा चला जाएगा इसलिए फियर है, या आपका कैपिटल चला जाएगा इसलिए फियर है। फियर इसलिए है क्योंकि आपने अपने कैपिटल पे एसएल फिक्स नहीं किया है कि हमें 10 पॉइंट देना है 20 पॉइंट लेना है, आपने स्टॉप लॉस फिक्स ही नहीं किया है। एक मिनट रुक जाओ, ये नाटक पूरा। तो आपने फियर इसलिए है कि आपको या तो नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप जो है सो आप पहले से ही डरे हुए हो, आपके जीवन में पहले ही आप इसी फेज में जी रहे हो। क्या काटो, बाहर रख दो, कल काटना, कम पका है। तो आप जो है सो फियर इसलिए है क्योंकि आपको जो है सो, मैं क्या बात कर रहा था, मेरे दिमाग से उतर गया। हाँ, फियर इसलिए है क्योंकि आपने अपने ट्रेड में एसएल फिक्स नहीं किए हो, या पहले ही बहुत सारा पैसा लूज कर चुके हो, इसलिए आपको फियर है कि यहाँ भी लूज हो जाएगा। तो उसके लिए है कि मान लो पहले बहुत सारा पैसा लूज कर चुके हो, तो आप कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग बंद करो, और 10 लाख रुपया, बहुत सारे ऐप आपको 10 लाख रुपया देते हैं, ट्रेडिंग कैपिटल फिक्स 10 लाख ही देता है। वो 10 लाख को 1 करोड़ ग्रो कर सकते हो क्या? अगर आप 10 लाख को 1 करोड़ ग्रो करो, एक बार, दो बार, तीन बार करो, और ट्रेडिंग मैनुअल बनाओ, और फिर उस पर डिसिप्लिन होकर काम करो कि मुझे एक ट्रेड, दो ट्रेड, ट्रेड जब भी हमारा जो है सो हमारे सेटअप पे ट्रेड बनेगा मैं ट्रेड लूंगा, सेटअप पे ट्रेड बनेगा ट्रेड लूंगा, तो आप देख लेना आप यहां से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि कॉज क्या है। आप अगर मान लो कि इसी जोन में जी रहे हो, आप पहले ही से इस जोन में जी रहे हो, पहले ही से आप डरे हुए हो, और अगर ट्रेडिंग करने लगे तब तो आपका बंटाधार हो जाएगा। पहले आपको यहां से उठ करके और इस मिडिल जोन में आना पड़ेगा, आपको जो है सो यहां से उठ करके इस मिडिल जोन में आना पड़ेगा। फॉलो द मिडिल पाथ वाला जो फॉर्मूला हमने बताया है, यहां पे इसको हटाओ, इसको फियर, ग्रेड और ईर्ष्या को हटाओ, और तुम यहां आ जाओ। मान लो तुमने ट्रेड ले लिया है, तो ट्रेड ले लिया तो फिक्स कर लिया कि एसएल 10 पॉइंट देना है मुझे, तो डर किस बात का है भाई। अच्छा, अब एसएल के बाद में हमारा ट्रेड वहां से 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया ऊपर चला गया है, तो अब हम अपने एसएल को ट्रेल करके आराम से एंजॉय करेंगे, एसएल को ट्रेल करेंगे आराम को एंजॉय।
आराम से इंजॉय करेंगे, डरने के नहीं है। जहां तक जाएगा वहां तक ट्रेल करेंगे एसएल, उसके बाद हिट होगा, हम बाहर हो जाएंगे। या हम शुरू में ट्रेड लिए, हमारा 10 पॉइंट एसएल था, वो चला गया, खत्म हो गया बात, डरना क्या है। लेकिन आप क्या करते हो, बीच रास्ते में काट देते हो ट्रेड का, अरे अब जा रहा है, खत्म हो गया, आपका प्राइस घट रहा है, काट दे। अरे ऐसा नहीं होता भाई। तो इसलिए जो है सो आप मेडिटेशन करो, ट्रेडिंग मैनुअल बनाओ, डिसिप्लिन रहो, शांत रहो ट्रेड लेने में। जहां हड़बड़ी किया आपने, जैसे कई बार आप देखते हो आपने क्या किया कि ये प्राइस गया, ये नीचे आया और ये गया, तो आप क्या करते हो कि कहां पर ट्रेड लोगे, आप हड़बड़ी में इधर नहीं ट्रेड लोगे, आप हड़बड़ी में इधर कहीं ट्रेड ले लोगे, इधर इस जोन में कहीं ट्रेड ले लोगे। अरे भाई जब इस जोन में ट्रेड लोगे तो ये हड़बड़ी का ट्रेड है, क्योंकि तुमने जब प्राइस शांत था तो तुमने नहीं लिया। प्राइस शांत किधर था, प्राइस इधर धीरे धीरे गिर रहा था तो नहीं लिया। और जब ये निकल गया, जब भरभरा के भागने लगा था, तुमने देख के ले लिया जल्दी जाए। देखना जब भी जल्दीबाजी में ट्रेड होगा ना वहां तुम्हारा लॉस होगा, जब भी जल्दीबाजी में ट्रेड होगा ना वहां तुम्हारा लॉस होगा। कारण क्या है कि तुम समझे ही नहीं मार्केट के साइकिल को। मार्केट साइकिल पे साइकोलॉजी में मैंने एक वीडियो बनाया, जाकर उसको देखना, तुमने मार्केट की साइकोलॉजी को समझा ही नहीं। अरे इस जोन में कहीं भी ट्रेड लगा तो मरेगा ना तुम भाई, क्योंकि तुमने हड़बड़ा के ट्रेड किया। अच्छा ये निकल कर ले लेते हैं तो एसएल इसको रखोगे क्या, इतना बड़ा एसएल रखोगे, नहीं रखोगे। तुम एसएल रखोगे इसी के आसपास 10 पॉइंट का, फिर तुम्हें कट जाएगा, फिर तुम यहाँ ट्रेड ले लोगे, फिर तुम्हारा जब रिट्रेसमेंट फिर कटेगा, तो दिन भर तुम्हारा लॉस होता रहेगा। समझो बात को, जो बात मैं बोल रहा हूँ ना ये सब नहीं समझाएंगे, ये जितने यूट्यूब पे लाइव दे रहे हैं ना सब बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें, और तुम्हारा लॉस होता रहेगा, कभी पैसा बनेगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा और तुम डिप्रेशन में जिंदगी जीने लगोगे। तो तुम्हें प्राइस साइकिल को समझना पड़ेगा, अपने जो मैनुअल है ट्रेडिंग मैनुअल को फिक्स करो, उस पे काम करो, तो कैसे डर लगेगा। एसएल हमें 10 पॉइंट देना है, अगर तुम 20 पॉइंट 10 पॉइंट 50 पॉइंट किसी दिन, अरे क्या जरूरत है एसएल लगाने का, नहीं यार हमें एसएल तो लगाना ही लगाना है। अब यहाँ पे देख लो आप, चलो अब यहीं पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप यहीं देख लेना। अब मान लो कि आपका यहां देखना, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी आया है तो तुमने शॉर्ट का पोजीशन बनाया है, तो तुम्हें यहाँ पे जब ये जाएगा तो तुम्हें नुकसान होगा, नुकसान होगा तो तुम लॉस बुक करके भाग जाओगे। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि तुम इंतजार करो, ये साइकिल खत्म होने दो, ऊपर जाने दो, ऊपर जाने के बाद में जैसे ये वाली कैंडल है, अगर आपने इस कैंडल के इधर आया तो इधर कहीं तुमने ट्रेड बनाया, हम अपना एसएल यहाँ पुटअप किए तो यहां तक गया ही नहीं प्राइस, जब यहां तक गया ही नहीं प्राइस तो अब यहाँ पे क्या चल रहा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 22 से 23,400 का पुट देखो, 23,450 का पुट देखो इन द मनी, और थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि और अच्छा रहेगा, ओटीएम फोटीएम मत करना नहीं तो मरोगे। 23,450 का पुट देखो, तो अब यहाँ पे देखना आप ध्यान से, जरा ध्यान देना आप, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ दो कैंडल बना ना नीचे, और ये कैंडल जो है, ये कैंडल ये कितने पॉइंट का कैंडल है जरा देखना आप, इसको बन जाने दो, यहां से मार्केट उड़ के नहीं, 10 पॉइंट का कैंडल है, बन जाने दो। अब जब ये कैंडल बन जाए और इसके बाद में नेक्स्ट कैंडल जब बनने लगे और इसका 50% रिट्रेसमेंट हो जाए तो ट्रेड ले लो। लेने के बाद में एसएल हमारा यही है, इसके नीचे जाएगा ना तो मैं निकल जाऊंगा, सिंपल, इसके नीचे जाएगा तो मैं आया वहां पे प्राइस एक भी बार आया नहीं आया। लेकिन अगर तुमने यहां से प्राइस पे अगर ट्रेड किया होगा तो तुम्हें 40-50 पॉइंट या 50-40 मतलब कि तुम 50-60 नहीं बुक करो, हम बोले तुम 40 पॉइंट ही बुक करो, तो 1:4 है ना, 10 का एसएल है और 40 पॉइंट बुक किया तो 1:4 दिया ना तुमको, तो ये बातें कौन समझाएगा भाई किसको। तुम्हें बस ट्रेड लेने की क्यों पड़ी है। अब यहां देखो आप, यहां पे अगर हम बात करें तो हमारा मार्केट जो है सो निफ्टी 23,200 का देखो आप, सॉरी एक मिनट हम यहां देखते हैं, 23,200 का अगर हम कॉल देखते हैं। अब देखना आप जरा, मार्केट यहां से नीचे आया, यहां से गया, तुमने यहां बनाया ट्रेड बहुत बढ़िया, नहीं बनाया छोड़ दिया, हमें नहीं पता है। लेकिन अगर आपने ये रिट्रेसमेंट के बाद में जब एक कैंडल गया और जब नीचे आया तो इधर कहीं बनाया ट्रेड तो तुम्हारा एसएल हुआ, एक 10 पॉइंट का एसएल देना है, दे दो, शांति से बैठो। अब मार्केट लोअर 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 में आ रहा है, ऊपर हाई नहीं लगा रहा, ठीक है कोई बात नहीं। अब मार्केट यहाँ पे क्या है कि बहुत देर टाइम पास कर लिया, इस जोन पे बहुत देर टाइम पास कर लिया है, तो अब मार्केट में मान लो तुमने यहाँ कहीं ट्रेड बना लिया या यहाँ कहीं बना लिया या यहाँ कहीं बना लिया है, या मान लो कि ये गया ऊपर और नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो अभी ऐसे भी ये मार्केट क्या है, ये देखो ये एक जोन है, साइडवेज का जोन है, तो यहाँ ट्रेड नहीं बनाओगे आप, तो या तो आप एक ट्रेंड लाइन बना लो ऐसे कुछ, ये ट्रेंड लाइन पे हमें ट्रेड लेना है,
तो जब भी ट्रेंड लाइन पे है तो भी ट्रेड ले सकते हो। तो आपका सेटअप क्या है, और जब एक बार सेटअप पे ट्रेड बन गया है तो उसके बाद होल्ड करना है, हमें बार बार घुसना नहीं है। तो सबसे पहले चीज, जो ट्रेडिंग मैनुअल मैंने बताया है, ट्रेडिंग जनरल जो हमने उस पर वीडियो जो बनाया, उसको जाके देखना समझना, उसको दो तीन दिन में रिलीज होगा, उसको टाइम लगेगा रिलीज होने में, और फिर जो है आपको वहां पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक क्या है, उसको आइडेंटिफाई करोगे तो आपको फियर जो है ना, ये फियर वेयर सब चला जाएगा और आप जो है एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे, आपको 10 रुपए बनने लगेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे घर में 10 रुपए आ ही नहीं रहा है, हमारा पैसा ऑपरेटर ले जा रहा है, हमारा पैसा ब्रोकर ले जा रहा है, हमारा कैपिटल ग्रो नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हम जो है सो डिसिप्लिन नहीं है, और मार्केट डिसिप्लिन मांगता है, मार्केट उसी को पैसा देता है, बोलता है कि जो बहुत डिसिप्लिन होगा मैं उसी को पैसा दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तो ये जैसे अब यहाँ पे कल देखना आप, ये जो है सो ए लेवल पे मार्केट बार बार डिफेंड कर रहा था, जैसे ही इसके नीचे आया देखो धड़ाम से आ गया नीचे। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, मैटर। अब जैसे यहाँ पे देखो मार्केट बहुत ज्यादा डिफेंड कर रहा था, आया तो सीधे आया, बिल्कुल नहीं रुका, धर जो है 40-50 पॉइंट यहां से दे दिया। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही हमारा पैसा बनेगा, नहीं तो हमारा पैसा नहीं बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से पॉइंट पर वीडियो चाहिए जो हम आपको बना के दे सकते हैं। धन्यवाद।